बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म धाकड़ के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्हें भारत की बॉक्स ऑफिस क्वीन कहा गया। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 2019 में मैंने सुपरहिट फिल्म मणिकर्णिका दी जिसने 160 करोड़ कमाए। साल 2020 में कोविड था, 2021 में मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थलाइवी दी जो ओटीटी पर आई थी और बहुत बड़ी हिट रही। मुझे बहुत सी क्यूरेटेड नकारात्मक दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2022 ब्लॉकबस्टर लॉकअप होस्टिंग का साल भी है और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। सुपर स्टार कंगना रनौत भारत की बॉक्स ऑफिस क्वीन है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना ने अपनी अगली इमरजेंसी पर काम शुरू कर दिया है। वह तेजस में एक वायु सेना पायलट की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी। उनके पास सीता द अवतार और मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ डिड्डा भी है। INS रिपोर्ट।